आज इस वीडियो में हम सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं 26, बोलता है अ पार्टनरशिप फर्म अर्न नेट प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स एंडिंग मार्च एज फॉलोज। 17 में 17,000, 18 में 20,000, 19 में 23,000। द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द फर्म थ्रू आउट द अबव मेंशनड पीरियड हैज बीन 80,000। हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व, 15% इज कंसिडर्ड टू बी अ फेयर रिटर्न ऑन द कैपिटल। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द अबव मेंशनड 3 ईयर्स। क्वेश्चन में कहता है कि गुडविल आपको 2 ईयर परचेज कैलकुलेट करनी है सुपर प्रॉफिट के। क्वेश्चन में इसने हमें यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड दी है 80,000, ठीक है। इसके बाद हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 15%। इसके बाद बोलता है हमसे कि 3 साल के प्रॉफिट दिए हैं, उससे हम क्या करते हैं एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो पहले साल का प्रॉफिट है 17, 18, 19, 2017, 2018, 2019 इनके जो प्रॉफिट हैं वो हैं 17 का 17,000, इसके बाद 18 का 20 और 19 का 23, इनको टोटल कर लेते हैं। तो हमारे हिसाब से वही टोटल प्रॉफिट कितना है इसका 60,000। तो 60,000 हो गया हमारा टोटल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करें, 60,000 / 3 कितने साल है, ठीक है। तो 20,000 का एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो एवरेज प्रॉफिट है हमारा 20,000, ठीक है जी। अब हमें गुडविल कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करें नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15%, तो हमारा आ गया 12,000 रुपए का नॉर्मल प्रॉफिट। अब निकालते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और अगर कोई पार्टनर्स का रेमुनरेशन हो तो उसको भी लेस करते हैं। खैर इस क्वेश्चन में नहीं है। अब बात यह है कि आपका 20,000 रुपए का एवरेज प्रॉफिट है, उसमें से हम नॉर्मल प्रॉफिट लेस कर देते हैं, तो 8,000 रुपए का हमारा आ गया सुपर प्रॉफिट। इसका 2 ईयर परचेज हमारी गुडविल है जी, ठीक है। तो 16,000 रुपए की हमारी गुडविल आ गई। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। क्वेश्चन में इसने हमें 3 साल के प्रॉफिट दिए हैं, 2019, 18 और 17 की। इसके बाद बोलता है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द फर्म थ्रू आउट द अबव मेंशन पीरियड हैज बीन 4 लाख। हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व, 15% इज कंसिडर्ड टू बी फेयर रिटर्न ऑन द कैपिटल। द रेमुनरेशन ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड इज एस्टिमेटेड टू बी ₹1 लाख पर एनम। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द अबव मेंशन 3 ईयर्स। क्वेश्चन में कहता है कि आपको सुपर प्रॉफिट का 2 गुना गुडविल की वैल्यू करनी है, ठीक है। अब हमें बोलता है 4 लाख रुपए का तो आपका है कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%। अब इसने हमें 3 साल के प्रॉफिट दिए हैं, 2017, 2018, 2019। यहां पर प्रॉफिट जो है 2017 का है 1,70,000, 2018 का है आपका 2 लाख, ठीक है जी। इसके बाद है 2,30,000, कुल मिला के 6 लाख का इन 3 साल में प्रॉफिट हुआ है टोटल प्रॉफिट, ठीक है जी। अब हमें निकालना है एवरेज, तो हम क्या करेंगे एवरेज प्रॉफिट के लिए जितना भी टोटल प्रॉफिट है उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से। तो 2 लाख रुपए का हमारा आ गया एवरेज प्रॉफिट, ओके। अब यहां चलते हैं, हमें निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे निकालते हैं, जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड है इस फर्म की उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 60,000 रुपए का हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब सुपर प्रॉफिट, जो एवरेज प्रॉफिट है 2 लाख, उसमें से ये नॉर्मल प्रॉफिट लेस करो, और साथ में पार्टनर्स को अगर कोई रेमुनरेशन दे रहे हैं जो देना रह गया है, ठीक है, उसको भी लेस करो क्योंकि हमें देना चाहिए तभी नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। तो अब यहां पर आपका 1,60,000 लेस होने के बाद 40,000 आपका सुपर प्रॉफिट है। अब गुडविल 2 × 40, 2 गुना सुपर प्रॉफिट का 80,000 रुपए की गुडविल आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं 28, बोलता है आइडियल मार्केटिंग अर्नड एंड प्रॉफिट ऑफ रुपीज 4 लाख ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 10%, बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31 मार्च 2019 वॉज एज फॉलोज। इसने कुछ आपको कैपिटल दिए हैं श्याम की, सुंदर की, और करंट अकाउंट दिए हैं। बाकी बैलेंस शीट में इसे रिजर्व दिया है क्रेडिटर, बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इधर असेट्स में से लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल वगैरह कुछ दिए हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल इफ इट इज वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्वेश्चन में कहता है इस फर्म की गुडविल 3 गुना होगी सुपर प्रॉफिट का। अब दिक्कत यह है कि क्वेश्चन में हमें कैपिटल एम्प्लॉयड दी नहीं है। तो जैसे हम 11th क्लास में अकाउंट इक्वेशन करते थे, क्या था भाई, टोटल एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब हम क्या करेंगे, कैपिटल निकालने के लिए एसेट माइनस लायबिलिटी। तो यहां पर भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए इस फर्म की जो बैलेंस शीट है उसकी टोटल एसेट में से लायबिलिटी लेस करेंगे तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। चलो जी, अब एक चीज है, यहां पर इस बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट भी दी हुई है। अब देखो इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, एक होती है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एक होती है आपकी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या है, अगर कोई फर्म, कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के शेयर या डिबेंचर इस पर्पज से खरीदे कि उसका अपना जो बिजनेस है वो ग्रो करे, वो बढ़े, तो वो तो होती है ट्रेड इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर कोई फर्म या कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर इस पर्पज से खरीदती है कि उसका सिर्फ इनकम बढ़े, अपने बिजनेस ग्रो ना करे, अपनी बस इनकम बढ़ जाए, ठीक है, तो वो होती है नॉन ट्रेड, जिसका अपने बिजनेस से कोई मतलब नहीं है। इसको इस तरह समझ लेते हैं, जैसे मान लो एक वार्नर फिल्म मेकिंग कंपनी है, वो 3 कंपनी के शेयर खरीदती है, एक खरीदती है नेटफ्लिक्स, ठीक है, एक खरीदती है बाटा और एक खरीदती है जियो कंपनी के शेयर। अब नेटफ्लिक्स में वो 15 लाख रुपए के शेयर खरीदती है, ठीक है, बाटा कंपनी में वो 2 लाख रुपए के शेयर खरीदती है और जियो कंपनी के वो 5 लाख रुपए के शेयर खरीदती है। अब जब वार्नर कंपनी ने नेटफ्लिक्स कंपनी के शेयर खरीदे थे तो उसके दिमाग में ये बात थी कि मैं, हमारी कंपनी बनाती है फिल्में और उसको आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए, दिखाने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम नेटफ्लिक्स के शेयर खरीद रहे हैं, हम इस कंपनी का फायदा उठाएंगे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों का नेचर सेम है, इसका जो पर्पस था नेटफ्लिक्स कंपनी के शेयर खरीदने का वो अपने अपनी कंपनी के बिजनेस को बढ़ाने का था, अपने बिजनेस के ट्रेड को बढ़ाने का था। लेकिन क्या बाटा कंपनी इस वार्नर कंपनी के बिजनेस में कुछ मदद कर सकती है? नहीं। हाँ, इस कंपनी के जो शेयर हैं उनसे जो डिविडेंड मिलेगा, इस कंपनी के जो डिबेंचर है उनसे जो इंटरेस्ट मिलेगा, उससे इस वार्नर कंपनी की इनकम तो बढ़ जाएगी, लेकिन इस कंपनी के शेयर खरीदने से वार्नर कंपनी को कोई बिजनेस में फायदा नहीं होता। इसी तरह से जियो कंपनी, अगर वो जियो के शेयर खरीद लेती है ये वार्नर कंपनी, तो क्या इसके बिजनेस को कोई हेल्प मिलती है इसके शेयर खरीदने से? नहीं। हाँ, इसके शेयर पर जो डिविडेंड मिलेगा, इसके डिबेंचर पर जो इंटरेस्ट मिलेगा, उससे इसकी इनकम तो बढ़ जाएगी। तो डिपेंड करता है कि किस पर्पस से वो शेयर खरीदे गए हैं। तो अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या मतलब होता है, अगर किसी फर्म ने दूसरी कंपनी के शेयर या डिबेंचर सिर्फ इस पर्पस से खरीदे हो कि उसे अपना बिजनेस ग्रो करना है, ठीक है, तो वो है आपका ट्रेड इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर उसने, किसी भी फर्म या कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर इस पर्पस से ना खरीदे हो कि उसका अपना बिजनेस ग्रो करना है, सिर्फ इस पर्पस से खरीदे हो कि ठीक है इनकम आती रहेगी, कुछ इनकम मिल जाएगी, ठीक है, तो वो है नॉन ट्रेड, जिसका अपने बिजनेस से कोई मतलब नहीं है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए हमें ट्रेड इन्वेस्टमेंट को तो कैपिटल एम्प्लॉयड में लेना होता है, लेकिन नॉन ट्रेड को नहीं लेना होता, क्योंकि नॉन ट्रेड का तो हमारे बिजनेस से कोई मतलब ही नहीं था। हमारे बिजनेस से किसका मतलब था? ट्रेड इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि इसी इन्वेस्टमेंट को तो हमने अपने बिजनेस को ध्यान में रखते हुए खरीदा था, ठीक है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है उसका। इसलिए हमें अगर क्वेश्चन में ट्रेड इन्वेस्टमेंट दी है तो उसको तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड में लेंगे, लेकिन अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो हम उसको अपने कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं लेंगे। यहां पर सिर्फ इन्वेस्टमेंट वर्ड लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो हम क्या माने,
हम मान सकते हैं कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, मान सकते हैं कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। चलो इसको दोनों साइड से कर लेते हैं। पहले मान लेते हैं कि ये हमारी ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो इसलिए इसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड में एडजस्ट कर देंगे, ये कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए इसको ले लेंगे, ठीक है। तो अब बात यह है कि हमें यहां जो टोटल एसेट दी है वो दी है 23 लाख रुपए की। इसमें हम मानकर चलते हैं जो इन्वेस्टमेंट दी हुई है वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, नॉन ट्रेड नहीं है, ठीक है, इसलिए उसको हम लेस यहां से नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट हो। अब लेते हैं आउटसाइडर लायबिलिटी। आउटसाइडर लायबिलिटी, आउटसाइडर लायबिलिटी में हमारे पास क्वेश्चन में है ट्रेड क्रेडिटर्स 4 लाख रुपए के, बिल्स पेबल 1 लाख रुपए के, और आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हैं 60,000 रुपए। तो टोटल 5,60,000 रुपए की हमारी आउटसाइडर लायबिलिटी है। अब ठीक है, इसको हम लेस कर देते हैं 5,60,000 रुपए को, ठीक है। तो ये हम मानकर चल रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में है वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इसलिए उसको लेस नहीं किया। अब आगे चलते हैं, तो यहां पर 17,40,000 हमारी आ गई कैपिटल एम्प्लॉयड, जो अब तक हर क्वेश्चन में दी हुई होती थी आपको। तो 17,40,000 की हमारी आ गई क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में बोलता है 10% का जी, ठीक है। आगे बोलता है कि एवरेज जो यहां नहीं एवरेज प्रॉफिट, अच्छा ठीक है, 4 लाख रुपए का आपका एवरेज प्रॉफिट भी है। अब हमारे पास जितनी जरूरत का सामान है सब तैयार है, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी है उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1,74,000 1,74,000 हमारी आ गई, आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट हमें दिया है 4 लाख रुपए का, इसमें से हम लेस कर देते हैं जी आपका नॉर्मल प्रॉफिट 1,74,000। कोई पार्टनर्स का रेमुनरेशन है क्या क्वेश्चन में, पार्टनर्स का रेमुनरेशन तो नहीं है, ठीक है जी। तो इसका मतलब आपका ये करीब 2,26,000 हमारा आ गया सुपर प्रॉफिट, इसका 3 गुना, तो 3 × 2,26,000, ठीक है। तो ये अब हमारा आ गया 6,78,000। अभी सेम क्वेश्चन को हम ये मानकर चल लेते हैं कि बैलेंस शीट में ये जो इन्वेस्टमेंट है ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, मतलब कि इस इन्वेस्टमेंट का कैपिटल एम्प्लॉयड से कोई मतलब नहीं है, या ये कह सकते हैं कि भाई ये जो इन्वेस्टमेंट है ये अपने बिजनेस को ध्यान में रखते हुए नहीं खरीदी गई, सिर्फ इनकम कमाने के लिए ऐसे ही खरीद ली थी, ठीक है जी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो चेंज आएगा वो कैपिटल एम्प्लॉयड में आएगा, उसी के हिसाब से हमारा चेंज नॉर्मल प्रॉफिट में आ जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग जो है सुपर प्रॉफिट और गुडविल, ठीक है, इन चीजों में चेंज आने वाला है, बाकी ये सब तो ऐसे ही रहने वाला है, कैपिटल एम्प्लॉयड में ये चेंज आएगा। तो अब यहां पर हम मानकर चलते हैं कि 2,30,000 की जो फर्म की असेट है इसमें 1 लाख रुपए वो भी तो जुड़ा हुआ है जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, उसको निकाल देते हैं। तो माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, उसको भी हम लेस कर देंगे, जो कि है क्वेश्चन में 1 लाख रुपए। तो हमारी जो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई इस केस में वो 16,40,000 आ गई, ठीक है। तो 16,40,000 हमारी है भाई कैपिटल एम्प्लॉयड। अब नॉर्मल प्रॉफिट हमें कैसे निकालना है, यहां पर 16,40,000 × 10%, तो 1,64,000 1,64,000 का हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, ठीक है। इसमें से ये लेस कर देते हैं जी 1,64,000, तो हमारा जो ये आपका आता है 6 और ये आपका आ गया 3, 2,36,000 का हमारा आ गया सुपर प्रॉफिट। अब इसका 3 गुना 2,36,000 × 3 7,08,000 हमारी गुडविल आ गई।
तो हमें दिक्कत यह है क्वेश्चन में कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, ये नहीं बताया कि ट्रेड है या नॉन ट्रेड है। तो आपको क्वेश्चन करने से पहले एज्यूम करना पड़ेगा कि आप इस इन्वेस्टमेंट को क्या मानकर चल रहे हो, ठीक है, वरना आपके आंसर में और जो टीचर के आंसर में डिफरेंस आएगा, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं 29, बोलता है वरुणा और करुणा आर पार्टनर्स फॉर इक्वल शेयर्स, दे एडमिट लता इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर, इट वाज एग्रीड टू वैल्यू गुडविल ऑफ द फर्म एट 4 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹4 लाख, बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन मार्च 19 वॉज एज फॉलोज। अब बोलता है लायबिलिटी साइड में वरुणा करुणा की कैपिटल है 10 लाख रुपए की, लॉन्ग टर्म लोन भी ले रखा है 5 लाख रुपए का जो कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट है, क्रेडिटर्स 2 लाख रुपए के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 50,000 के, एडवांस फ्रॉम कस्टमर 1,50,000 का, ये तीनों मिलकर के आउटसाइड लायबिलिटी बनेंगी। आगे चलते हैं, असेट्स में फर्नीचर कंप्यूटर इलेक्ट्रिक फिटिंग इन्वेस्टमेंट, इसने बोला है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, मतलब बिजनेस से ही रिलेटेड है, ये बिजनेस को ही ध्यान में रखते हुए हमने ये खरीदी थी। आगे चलते हैं, बाकी इसने काफी असेट दिए, सबसे नीचे इसने एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया है 50,000 का, मतलब ये फिक्टिटियस असेट है, झूठी असेट है, जो है तो असेट साइड में पर असल में असेट नहीं है, लॉस है। आगे नीचे चलते हैं, बोलता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, अब हमें सबसे पहले बोलता है कि आपको सुपर प्रॉफिट का 4 गुना गुडविल कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। क्वेश्चन में हमको एवरेज प्रॉफिट दे दिया है 4 लाख रुपए का, ठीक है जी, और क्वेश्चन में कहता है कि जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 15% है कैपिटल एम्प्लॉयड पर। अब हमें यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमें क्या करना है, टोटल असेट पकड़ लेते हैं जी, टोटल असेट है हमारी 19,50,000 की, लेकिन इस 19,50,000 में 50,000 तो आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, मतलब कि लॉस है, ऐसा लॉस जो कि असेट साइड में दिखाया हुआ है, तो ये असेट तो नहीं है, तो लॉस है, इसको यहां से हम हटा देते हैं असेट में से, ताकि असेट निकला है असेट कितनी है। इसके बाद जो इसमें इन्वेस्टमेंट है वो तो ऑलरेडी ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, तो उसको तो लेस करने की जरूरत नहीं है, वो तो कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट है ही। हाँ, अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती तो उसको लेस कर देते क्योंकि वो कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं होती है, तो यहां पर हम इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, है लायबिलिटी, लायबिलिटी निकाल लेते हैं, तो यहां पर जो अदर लायबिलिटी है आपकी वो क्या है, एक तो है आपकी यहां पर क्रेडिटर 2 लाख रुपए के, क्रेडिटर्स हैं जी आपके 2 लाख रुपए। इसके बाद क्वेश्चन में बोलता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 50,000, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 50,000। इसके बाद एडवांस ले रखा है कस्टमर से, एडवांस फ्रॉम कस्टमर कितना है जी ये आपका 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपया, तो कुल मिलाकर के 4 लाख रुपए की हमारी अदर लायबिलिटी हो गई, इसको यहां से लेस कर देते हैं -4 लाख। ओके, तो अब 4.5 लाख इसमें से निकल गया, तो हमारी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है इस बिजनेस की वो है 15 लाख रुपए, तो हमको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गई। अब यहां से हम शुरू करते हैं अपना नॉर्मल प्रॉफिट निकालना, जितनी भी कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका 15% हमको अर्न हो सकता है नॉर्मली, तो ठीक है, कितना हो सकता है 2,25,000। ओके, अब हम निकालते हैं सुपर प्रॉफिट, एवरेज में ये जो बिजनेस अर्न करता है वो 4 लाख रुपए अर्न करता है, जबकि कर सकता है इस बिजनेस से 15% ऑफ 15 लाख 2,25,000, इसका मतलब 1,75,000 से ज्यादा कमाए, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट से, तो ये हो गया सुपर प्रॉफिट। इसी का कितना 4 टाइम्स गुडविल है, तो 1,75,000 इंटू 4, 7 लाख रुपए हमारी आ गई गुडविल, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ, तो आज इस वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन किए हैं, कुछ और क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।